और सीधा लिए चलते आपको अहमदाबाद, जहां पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये 5 स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। भाइयों और बहनों, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और
विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा, एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृतम, अर्थात हम दुख कष्ट क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है, ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है, ये महोत्सव वैश्विक शांति का विकास का महोत्सव है। साथियों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी यात्रा के दिन हो रहा है। उस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है। यह अद्भुत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेश भी वैसा ही है जो आज देश अमृत महोत्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है। गांधी जी की इस एक यात्रा ने आजादी के संघर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन से जोड़ दिया था। इस एक यात्रा ने अपनी आजादी को लेकर भारत के नजरिए को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आग्रह के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संस्कारों का भी समावेश था। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी, हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास, हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज़ को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया।
साथियों, इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। 1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अतफाउल्लाह खां, गुरुराम सिंह, टिटूस जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथ दर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। साथियों, हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन हैं, कितने ही संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, संघर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन स्वभाव के सबूत है। ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी।